दबे छुपे रहते हैं और दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बाहर जा कर के लोगों के साथ घुलना मिलना उठना बैठना पार्टी करना एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है वो अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं उनको कंपनी चाहिए उनको साथ चाहिए और तो और उनका दायरा बहुत बड़ा होता है दोस्ती का अगर उनका एक दोस्त है दूसरा दोस्त है दोनों को दोस्त बना देते हैं ये ही होते हैं कंजंक्शंस कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो अकेले लोगों को जो लोग बाहर घूम रहे हैं जो घर में दुबके बैठे हैं उनको भी बाहर निकाल करके उन दोनों शब्दों के बीच में लोग का मतलब यहाँ पर फिगरेटिव स्पीच था जो शब्द अकेले पड़े होते हैं या सेंटेंसेस अकेले पड़े होते हैं उनको जोड़ करके उनको एक बहुत ही खूबसूरत सा एक सिंगल वाक्य बना देते हैं कंजंक्शंस का काम ही ये होता है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ करके जब आप उसको बोलते या लिखते हैं तो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को वो सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है प्रभावशाली लगता है रोचक लगता है बोरिंग नहीं लगता ठीक वैसे जैसे वह अकेला बच्चा जो घर के अंदर है अगर आपका कोई दोस्त होगा जो बोरिंग होगा अलग थलग होगा तो उसको खींच के लाओगे ना आप उसके संग खेलोगे बातें करोगे यही काम कन्जंक्शंस का होता है दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके उनको एक बहुत ही असरदार प्रभावशाली इम्पैक्टफुल सेंटेंस बनाने में कंजंक्शंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कंजंक्शंस की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं अगर हम उसको आसान शब्दों में समझें तो कंजंक्शंस की एक पूरी लिस्ट मैं आपके सामने अभी थोड़ा थोड़ा करके लिख कर आपको समझाऊंगी सो लेट्स स्टार्ट ये जो कंजंक्शंस मैंने लिखे हैं ये सारे कंजंक्शंस नहीं है स्टूडेंट्स मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रुप्स में बैचेस में कंजंक्शंस को पढ़ाऊंगी ताकि आपके लिए समझना और याद रखना आसान हो जाए चलिए स्टार्ट करते हैं इफ से If, आपने अपने घर में अपनी मम्मा से बचपन से यह सुना होगा कि अगर होमवर्क खत्म कर लोगे तो मैं तुम्हें खेलने दूंगी ठीक है तो मम्मा ने कभी शर्त शब्द यूज नहीं किया कि मेरी यह शर्त है किया होगा लेकिन ज्यादातर उन्होंने क्या बोला होगा अगर राइट right. हिंदी में सो दि इंग्लिश ऑफ अगर इज इफ तो अब सेंटेंस मम्मा ने क्या बनाया इंग्लिश में I'll let you play if you finish your homework. I'll यहाँ पर कोई अलग से वर्ड नहीं है I will का contraction है I'll let you play if you finish your homework, right? अब मम्मा ने कहा मैं तुम्हें खेलने दूंगी अगर तुम अपना होमवर्क खत्म कर लो ठीक है Understood? तो यहाँ पे इफ जब लगा है तो ये बता रहा है कि भाई कंडीशन क्या है खेलने की कंडीशन क्या है खेलने की कंडीशन है होमवर्क का खत्म होना तो ये इफ है ना इफ ये कंजंक्शन है जो छिपी हुई कंडीशन छिपी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस को हाईलाइट करता है बिना बहुत ज्यादा उसको स्पष्ट शब्दों में बोले हुए ठीक है स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं वेन When का मतलब होता है जब ओके okay? अब आपने ये भी सुना होगा अपनी मम्मी से कि मैं तुम्हें खेलने दूंगी जब तुम अपना होमवर्क खत्म कर लोगे तो यहां पे है तो ये भी कंडीशन दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन एक शर्त ये भी है ये शर्त है टाइम की मतलब आप कब खेल पाएंगे किस वक्त खेल पाएंगे किस टाइम खेल पाएंगे जब आपका जब मतलब टाइम उस वक्त खेल पाएंगे जब आपका होमवर्क खत्म हो जाएगा क्लियर हो गया चलिए खेलना और होमवर्क मम्मा और आपको लेकर के ही हम लोग वैन के साथ अगला सेंटेंस बनाते हैं न यू फिनिश योर होमवर्क शर्त इसमें भी है कंडीशन इसमें भी है लेकिन इसमें कंडीशन है टाइम की अब स्टूडेंट्स ये दोनों सेंटेंसेज जो है ना अगर हम इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों सेंटेंसेज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन सकते हैं ठीक है इफ और वेन के साथ फॉर एग्जाम्पल आई लेट यू प्ले इफ यू फिनिश योर होमवर्क इसमें कोई नॉट नहीं लगाए तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है अब हम इसी में नॉट लगा देते हैं आई नॉट लेट यू प्ले इफ यू डू नॉट फिनिश योर होमवर्क ठीक है तो आई विल लेट यू प्ले इफ यू फिनिश योर होमवर्क आई विल लेट यू प्ले वेन यू फिनिश योर होमवर्क ठीक है दोनों में छिपी हुई कंडीशन है अब आते हैं हम इस पे पर एंड अनलेस आपने गौर किया दोनों लिखे तो अलग अलग हैं पर मेरे मुंह से निकले साथ में और आपने अक्सर साथ में ही इनको अपनी नोटबुक में या बोलते वक्त यूज़ किया होगा आम तौर पे हम लोग अनटिल एंड एनलेस साथ में यूज़ करते हैं लेकिन हमेशा नहीं यूज़ करते हैं ये दोनों शब्द अलग अलग भी यूज़ किए जा सकते हैं एक साथ यूज़ करते हैं कब ये भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ पहले हम लोग इनको अलग अलग समझते हैं टिल अंटिल का मतलब भी है शर्त लेकिन यहां पे क्या है ना यहां पे कुछ आ गया है नेगेटिव यहां पे आ गया है यूज अन अन दोनों का ही मतलब है छुपा हुआ नॉट चलिए मम्मी आप और आप खेलना आपका आई नॉट लेट यू प्ले अनटिल You finish your homework. so I will not let you play until you finish your homework. Student, until जहां लग जाता है, वो sentence हमेशा negative होता है. ठीक है? I will not let you play. देखिए यहां इस sentence में भी not लगा है. और यहां तो until अपने आप में not दिखा रहा है. I will not let you play unless तब तक जब तक अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क अब यहां पे एक रूल एक टेक्निकल एस्पेक्ट आपको समझना जरूरी है कि अगर हमने अंटिल लगा दिया देखिए स्टूडेंट्स कंजंक्शन हमेशा दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है ऐड करता है तो आई विल नॉट लेट यू प्ले एक सेंटेंस है और अंटिल यू फिनिश योर होमवर्क एक अलग सेंटेंस है प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आई विल नॉट लेट यू प्ले में तो हमने एक नॉट लगाया है उसके बाद जब हम अंटिल यू फिनिश योर वर्क बोलते हैं तो यहाँ पर हम एक अलग से नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि अंटिल में अपने आप में एक छिपा हुआ नॉट है ठीक है मैं आपको एक गलत सेंटेंस बना के बताती हूँ आई विल नॉट लेट यू प्ले अंटिल यू डू नॉट फिनिश योर वर्क ये गलत है ठीक है दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ राइटिंग आई विल नॉट लेट यू प्ले अंटिल यू फिनिश योर वर्क या आई विल नॉट लेट यू प्ले अनलेस यू फिनिश योर वर्क क्लियर हो गया स्टूडेंट्स अंटिल में अपने आप में एक नॉट हिडन होता है ना मूविंग ऑन बाय द टाइम बाय द टाइम का मतलब नेचुरली टाइम लिखा हुआ है इसमें तो इसमें टाइम का ही सेंस आएगा बाय द टाइम आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा हीरोइन की माँ मर रही होती है उसको विलन ने गोली मार दी होती है और हीरो कहता है माँ तुम अभी रुको हीरोइन की माँ से कह रहा है माँ क्योंकि वो भी उसकी माँ होती है ना तो माँ तुम अभी रुको मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ तो माँ क्या कहती है नहीं बेटा जब तक तुम आओगे बहुत देर हो चुकी होगी जब तक ठीक है तो बाय द टाइम का मतलब ही होता है जब तक मतलब इस समय तक ठीक है बहुत देर हो चुकी होगी इसको एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए ये कहा हीरोइन की माँ ने हीरो से बाय द टाइम यू कम इट विल बी लेट यहां इसका मतलब ये है कि तब तक मैं जा चुकी होंगी। तो ये मतलब होता है बाय द टाइम का और ये सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव बनता है स्टूडेंट्स इसको हम लोग नेगेटिव में कभी नहीं बनाते हैं बाय द टाइम अंडरस्टूड ठीक है आगे बढ़ते हैं एज सून एज एज सून एज हम लोग कब यूज करते हैं देखिए स्टूडेंट्स यहां पे टाइम है यहां भी टाइम है एज सुन एज एज सुन एज का मतलब है यहां पर दो काम हो रहे हैं एक काम हुआ उसके ठीक तुरंत बाद दूसरा काम स्टार्ट हो गया तभी हमने कहा एज सुन एज मतलब जैसे ही एज सुन एज का मतलब क्या होता है जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा जैसे ही मैं बाहर निकला बारिश शुरू हो गई ऐसा होता है ना लाइफ में हम जैसे कदम रखते हैं बाहर ये सोच के कि नहीं अभी बारिश होने में टाइम है बारिश का कोई आसार नहीं है और निकलते ही क्या होता है बारिश स्टार्ट हो जाती है तो क्या हुआ जैसे ही मैं बाहर निकला स्टार्टेड रेनिंग राइट सो सेंटेंस वुड बी ठीक है? एज सुन एज आई my हाउस स्टेप आउट का मतलब होता है बाहर निकलना. As soon as I stepped out of my हाउस इट started रेनिंग यानी कि दो काम हुए घर से बाहर निकलने का एक काम और उसके तुरंत बाद उसके तुरंत बाद कोई गैप नहीं है आफ्टर हम तब लगाते हैं जब गैप हो यहां पे क्या है एज सुन एज जैसे ही मैं घर से निकला बिल्कुल तुरंत ही दूसरा काम शुरू हो गया दूसरा काम क्या था बारिश के शुरू होने का बारिश होने का अंडरस्टूड स्टूडेंट्स ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट प्रोवाइडेड दैट एंड प्रोवाइडेड अब इतनी सारी जगहों पे हम लोगों ने देखा कि शर्त जो थी वो छुपी हुई थी अब यहाँ पर आकर के प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडेड का मतलब ही होता है बशर्ते, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला क्लियर है बशर्ते। इसका मतलब ही है कि एक कंडीशन हम साफ तौर पे आप पे या सामने वाले पे लगा रहे हैं प्रोवाइडेड दैट इज ओल्ड इंग्लिश दिस इज ब्रिटिश इंग्लिश अब अमेरिकन को लगा कि यार इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं दैट का कोई यूज ही नहीं है तो उन्होंने क्या किया दैट को हटा दिया इसलिए मैंने दोनों वर्जन लिखे हैं ब्रिटिश भी और अमेरिकन भी तो प्रोवाइडेड दैट बी केम प्रोवाइडेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्पीकर एंड राइटर्स प्रोवाइडेड दैट बशरते ओके अब मम्मी ने आपसे कहा आई लेट यू गो टू प्ले आई विल लेट यू प्ले प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क इसका मतलब क्या हुआ मम्मा ने साफ तौर पे बात करी कोई छुपी हुई नहीं कोई गोलमोल बात नहीं स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई खेलने की एक शर्त है शर्त क्या है तुम्हारा होमवर्क खत्म होना चाहिए आई विल लेट यू प्ले प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट अगर आप यूज करते हो तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत है ठीक है तो प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क तुम्हें खेलने दूंगी बशर्ते तुम अपना होमवर्क खत्म कर लो ठीक है स्टूडेंट्स अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अनलेस और अनटिल के बारे में मैं पढ़ाने के बाद इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बताऊंगी ठीक है तो अब मैं आपको बताती हूं कि अंटिल और अनलेस अंटिल एंड अनलेस एक साथ एक सेंटेंस में कब यूज़ होते हैं वैसे तो ये सेपरेट भी यूज़ हो सकते हैं लेकिन अनटिल एंड अनलेस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी बात पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस देना होता है जैसे कि मम्मा आपसे बहुत नाराज़ है तो मम्मा को लगा कि हल्की फुल्की बात अगर कहूंगी अगर हल्के हल्के दबाव में और हल्की हल्की कंडीशन लगाऊंगी शर्त रखूंगी तो ये मेरी बात नहीं सुनेगा तो क्या कहा मम्मा ने नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना हम लोग तो मम्मा ने कहा आई विल नॉट लेट यू प्ले नॉट क्योंकि नेगेटिव है ना ये नेगेटिव में ही लगता है आई विल नॉट लेट यू प्ले Until and unless you finish your homework, तो वैसे तो until के साथ भी बना के बोला unless के साथ भी बना के बोला लेकिन मम्मा को लगा यार इस तरह से समझ में नहीं आती है मेरी बात किसी को तो थोड़ा और दबाव थोड़ा और emphasis, emphasis का मतलब ही होता है दबाव तो थोड़ा और दबाव एक्स्ट्रा दबाव बना करके मम्मा ने बोला जब आप नाराज़ हो जाते हैं आपको खिलौना चाहिए होता है तो आप क्या बोलते हो अपने पापा से मैं बात नहीं करूंगा आपसे कब तक जब तक आप मुझे खिलौना नहीं दिलाते हैं आई नॉट टॉक विद यू अनटिल एंड अनलेस यू बाय मी अ टॉय राइट सो दिस इज द रीजन यू मोस्टली हियर पीपल यूजिंग अनटिल एंड अनलेस टूगेदर द ओनली रीजन इज टू ले मोर एम्फोसिस टू ले मोर प्रेशर इन वॉट यू आर इट ऑलमोस्ट कम्स आउट एज अ कमांड क्लियर हो गया बोर्ड पे जो लिखे हुए कंजंक्शन है उसमें से आखिरी पे मैं आ रही हूं फिर से रिपीट कर दू दिस इज नॉट द लास्ट वन इवन इफ इवन इफ का क्या मतलब होता है इवन इफ का मतलब होता है चाहे चाहे जैसे कि आपके पापा ने कहा कि अच्छा खिलौना तो नहीं लाके दूंगा लेकिन चलो आइसक्रीम दिला दूंगा तो आपने कहा मैं आपसे बात नहीं करूंगा चाहे आप आइसक्रीम ही दिला दो मतलब क्या हुआ हम्म आइसक्रीम दिलाने का काम तो होगा लेकिन दूसरा काम जो है ना बात करने का वो नहीं होगा स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आप लोग यहाँ हमेशा दो काम दो चीजों का दो घटनाओं का ही जिक्र होता है जिसको कि जोड़ता क्या है हमारा प्यारा सा कंजंक्शन ठीक है ना तो आपके फ्रेंड ने कहा जाओ तुम मत आइसक्रीम खाना मैं तो खाऊंगा चाहे तुम ना भी आओ तो आपके फ्रेंड ने जो कि वहीं खड़ा हुआ सारा आपका खेल देख रहा था आपकी नाराजगी का हिस्सा था उसने कहा आई विल ईट आइसक्रीम इवन इफ़ यू डू नॉट ठीक है दोस्त ने क्या कहा मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं आइसक्रीम खाने का काम नहीं करूंगा लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि चाहे तुम खाने का काम ना करो चाहे मैं तो आइसक्रीम खाने का काम करूंगा। यानी कि यहां पर एक ऑपोजिशन है एक विरोधाभास है मैं तो मार्केट जाऊंगी चाहे तुम आओ या ना हो मैं तो बाजार जाऊंगी आई गो टू द मार्केट इवन इफ यू डू नॉट कम कमलोंग मतलब साथ आओ ठीक है तो इवन इफ हम तब यूज करते हैं कंजंक्शन में जब दोनों कामों का एक दूसरे से एक्चुअली कोई कनेक्शन नहीं होता है क्लियर हो गया अब हम आते हैं और कंजंक्शंस पे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं कंजंक्शंस बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगी बैचर्स में पढ़ाऊंगी सो दैट यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज एंड द कॉन्सेप्ट आर वेरी ग्रेजुअली सोक्ड इन टू माइंड स्टूडेंट्स यहां पे एज लॉन्ग एज इज यूज टू डिनोट टाइम ओके एज लॉन्ग एज यहां पे लंबाई नहीं है एरिया की दिस इज एज लॉन्ग एज जिस समय तक ठीक है एज लॉन्ग एज जिस समय तक तो जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं जिस समय तक तुम मेरे दोस्त हो ठीक है यहां भी कहीं ना कहीं एक शर्त दिख रही है भाई कि भाई एक काम हो रहा है दोस्ती का लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि दूसरा कह दूसरा भी आपसे कहे कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा सो फॉर एग्जाम्पल आपका मन बहुत उदास था आपने अपने दोस्त से कहा भाई मुझे छोड़ के मत जाना मेरे साथ रहना तो आपके दोस्त ने बहुत प्यार से क्या कहा आई विल नॉट लीव यू एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा घबराओ नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जिस समय तक तुम चाहते हो ठीक है आई विल नॉट लीव यू एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट तो एज लॉन्ग एज इज अ कंडीशन ऑफ टाइम क्लियर हो गया आते हैं whoever, वॉट एवर वेन इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये सारे जो है ना कंडीशनल है क्यों कंडीशनल है ऐसे देखिएगा। एक देखने वाली बात ये है हु एवर क्वेश्चन वर्ड वॉट एवर वॉट क्वेश्चन वर्ड वेन एवर वेन क्वेश्चन वर्ड वेयर एवर में वेयर इज अ क्वेश्चन वर्ड लेकिन यहाँ पर हम इसको जब एवर के साथ जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा कंजंक्शन चलिए अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ मज़ेदार साहब को एक लड़का था उसकी शादी नहीं हो रही थी तो उससे किसी ने कहा भैया एक लड़की है शादी करोगे तो लड़के ने कहा खुश होके हाँ हाँ क्यों नहीं तो अच्छा भाई बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए तो उसने कहा जो कोई भी मुझसे शादी करना चाहे मैं उससे शादी कर लूंगा तो यहां पे क्या आ गया हु टू मैरी मी I'll मैरी her। भाई जो कोई भी मेरी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि कोई ऐसी खास लड़की चाहिए नौकरी पेशा या घरेलू चाहिए जो कोई भी मुझसे शादी करना चाहता है जो कोई भी हु एवर अच्छा तुम्हें तोहफों में क्या चाहिए दहेज नहीं बाबा दहेज इज अ क्राइम तो तुम्हें तोहफों में क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए तो लड़के ने कहा जो भी मुझे मिल जाए मैं स्वीकार कर लूंगा तो जो भी या जो कुछ भी तो क्या हो गया वट एवर इज गिफ्टेड टू मी आइल एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स गौर करने वाली बात यह है कि मैंने दो सेंटेंसेस में कंजंक्शन की शुरुआत आगे से ही कर ली लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है अब आगे वाले दोनों सेंटेंसेस में मैं वॉट एवर के जैसे नहीं इन दोनों को सेंटेंस के बीच में यूज करके दिखाऊंगी ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि कोई ऐसी शर्त नहीं है कि ये सारे कंजंक्शन हम सेंटेंस की शुरुआत में ही लगा पाएंगे नहीं ऐसा नहीं है आप चाहो तो फर्स्ट सेंटेंस के साथ लगाओ आप चाहो तो सेकेंड सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस का मतलब क्या है भाई दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम है ना तो फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस तो होना ही है चलिए तो अब लड़के से पूछा गया शादी कब करना चाहते हो तो लड़के ने कहा शी इज रेडी ठीक है तो लड़का बहुत सीधा है उसको सब मंजूर है ठीक है आई विल मैरी हर वेनेवर शी इज रेडी ठीक है लास्ट में बात आती है कि भाई ठीक है तुम हर बात पे तो लड़की पे छोड़ दे रहे हो ये बताओ कि भाई शादी करनी कहाँ है तुम्हें डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है कहाँ करनी है शादी जयपुर उदयपुर या स्विट्ज़रलैंड? तो लड़के ने कहा क्या कहा लड़के ने जहाँ भी जगह वेर का मतलब ही जगह होता है जहाँ भी जहाँ कहीं भी लड़की कहेगी मैं वहाँ शादी कर लूँगा ईश्वर ऐसा पति सबको दे ठीक है तो लड़के ने कहा मैरी हर वेर एवर शी वे कोई खास कोई पसंद नहीं है कोई मेरी शर्त नहीं है कोई कंडीशन नहीं है जैसा लड़की को पसंद हो समय जगह गिफ्ट यहाँ तक कि लड़की भी जो मुझे मिल जाए हुए मैरी मी आई विल मैरी हर हम कंजंक्शंस यूज करते ही तब हैं जब हमें दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होता है कंजंक्शन आर नोन एज ज्वाइनिंग वर्ड्स ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स जो भी आपने अभी कन्जंक्शंस पढ़े इस बैच में वो कन्जंक्शंस के साथ एक पर्टिकुलर रूल फॉलो होता है दो सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो पहले में या दूसरे में ऐसा नहीं खाली पहले में ऐसा नहीं कि हर बार दूसरे में पहले या दूसरे में हमने अगर फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया है आई विल आई विल फ्यूचर है विल इज़ ऑलवेज यूज फॉर फ्यूचर तो अगर एक सेंटेंस में फ्यूचर टेंस यूज़ हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स तो रूल ये है कि दूसरे वाले टेंस में हमको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना ही पड़ेगा चाहे हम इफ़ से सेंटेंस बनाएं चाहे हम व्हेन से बनाएं चाहे हम प्रोवाइडेड दैट से बनाएं चाहे हम एज़ लॉन्ग एज से बनाएं एज सोन एज से बनाए बाय द टाइम से बनाएं Whoever, whatever, whenever, wherever से बनाएं, we have to keep in mind कि अगर एक sentence चाहे पहला वाला या दूसरा वाला future tense में बन रहा है तो उसके साथ वाला जो अगला sentence है जो उसके पहले या बाद में लगता है वो हमेशा present tense में ही बनेगा दोनों sentences future में नहीं बन सकते आपके सामने example में दे के बताती हूँ I will marry her.

आगे जो मैं आपको कंजंक्शंस पढ़ाऊंगी उसमें ये रूल लागू नहीं होगा यही वजह थी माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाले सारे कंजंक्शंस मैंने आपको एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाए उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा और आप इसको आगे यूज भी करेंगे अपनी लाइफ में रिटर्न और स्पोकन दोनों में थैंक यू सो मच सी यू अगैन